नमस्कार, जयवंत दास्ता न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबरनामा सिटी से है, जहां उपखंड मुख्यालय पर जरूरतमंदों के लिए समाज सेवी संगठनों द्वारा चलाई जा रही नेकी की दीवार कार्यक्रम के माध्यम से बामा साहब बोधुराम रणवा जाबी नगर द्वारा जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए लगभग 35 स्वेटर नए उपलब्ध करवाए गए। नामा सोशल सर्विस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष लुकमान शाह ने बताया कि बामा साहब बोधुराम रणवा द्वारा उपलब्ध करवाए गए स्वेटरों का वितरण श्री मासुख बियानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित कर विद्यालय के जरूरतमंद बच्चों में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रकाश योगी थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता नामा सोशल सर्विस सोसाइटी के संरक्षक सत्यनारायण लड्डा ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि नगर पालिका उपाध्यक्ष एडवोकेट आनंद लाल कुमावत, सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष लुकमान शाह कुमावत, समाज सुधार विवाह समिति संरक्षक बाबूलाल दुबलदिया, स्टूडेंट क्लब संरक्षक उर्मिला टेलर, क्लब सचिव दशरथ सिंह राठौड़, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित अध्यापक जगदीश चावला, ओम सिंह सिसोदिया, लक्ष्मी नारायण पारिक, समाज सेवी पत्रकार मनोज गंगवाल आदि मौजूद थे। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यापक महेंद्र कुमार व श्रीमती राजकुमारी मिश्रा द्वारा विद्यालय के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रकाश योगी ने कहा कि बालिकाओं व महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार कृत संकल्पित है। महिलाओं और बालिकाओं के लिए नाना प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही है और विशेष रूप से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बालिकाओं की शुरू से लेकर फाइनल तक की पढ़ाई भी निःशुल्क कर दी गई है, जिसकी बदौलत आज बालिकाएं व महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। इसके साथ ही योगी ने विद्यालय के भौतिक व शैक्षणिक विकास के लिए हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम अध्यक्ष सत्यनारायण लड्डा ने बालिकाओं को अपने अध्ययन को पूर्ण मनोयन से करते हुए अपने माता पिता वह विद्यालय परिवार का नाम रोशन करने की बात कही। कार्यक्रम को पालिका उपाध्यक्ष एडवोकेट आनंद लाल कुमावत, लुकमान साहब, बाबूलाल दुबलिया आदि ने भी संबोधित किया। नवा सिटी से मनोज गंगवाल की विशेष रिपोर्ट।